ये बाल कटने वाले हैं, 2 महीने बाद इतने बढ़ चुके हैं। इस बार भी छोटे कराऊंगा, इसके बाद एकदम बढ़ा दूंगा तगड़े वाले, इस बार छोटे करवा दें। बाल कटवाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट कटवाने पड़ते हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए ना, स्टाइल भी जरूरी है, इसलिए बाल कटवाने पड़ते हैं। और जितने कटवाओगे उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। तो गोभी खोदने वालों, इसमें मैंने साउंड हटा दी क्योंकि पीछे बहुत गाने चल रहे थे। और ये जो स्टाइल है, मैं कहूँगा ये नया मेथड कटिंग है, इसमें जो कि है इसमें रेज़र यूज़ किया जाता है, ना कि सीज़र। तो इसमें रेज़र यूज़ करके, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें रेज़र यूज़ करके बाल, इससे फ़ायदा ही होता है, इससे बालों को मिलता है काफ़ी बाउंस, और बाउंस है यानी छोटे बाल भी काफ़ी बड़े लगते हैं। तो भाइयों कमेंट कर देना बाल कैसे लग रहे हैं। अब थोड़ी सी दाढ़ी भी कटवा लेते क्योंकि दाढ़ी काफ़ी शेप से बाहर है। तो भाइयों अब होने वाली है स्क्रबिंग और पूरे मुंह पे मेकअप होने वाला है। और मैंने साउंड काट दी क्योंकि पीछे गाने बहुत थे, तो कॉपीराइट का बहुत कलेश चल रहा है। तो अब पूरी स्क्रबिंग करवाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको मुंह कैसे गोभी खोद के। खोदने वाला तुम्हारे भाई ने कटवा लिए बाल, और कमेंट करके बता देना भाई कैसा लग रहा है, सेक्सी लग रहा है, लग रहा है। और दाढ़ी भी सही करवा दी और मुंह पे भी थोड़ा बहुत जुगाड़ करवा लिया। तो कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा हूँ। और अब मैं जाऊँगा घर, और घर जाके तुम्हें कुछ बड़ी अच्छी से बताऊँगा, हेयर टिप्स बताऊँगा कि अपने हेयर बाल को कैसे अच्छे से अच्छा रखें और कैसे उन्हें स्मूथ एंड सिल्की रखें। चलो ठीक है भाई, अभी खोदने वाला तुम्हारा भाई आ चुका है घर। और देखो बाल बैठ चुके, क्योंकि मैंने शैम्पू किया, अभी नहा गया तो शैम्पू के तो बाल बैठ गए। तो बालों को उठाने के लिए भाइयों बहुत सारा वैक्स और हेयर ड्रायर और काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो मैं तुम्हें थोड़ी सी हेयर के टिप्स बताऊंगा। ये सब चीज़ें आप ये वैक्स वूक्स लगा रहे हो तो इससे बाल ख़राब भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो कुछ चीज़ें बताऊंगा वो यूज़ करनी है जिससे बाल रहेंगे बढ़िया। ठीक है भाई, चलो ये करके बताते हैं। मैं कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ अपने बालों को अच्छा रखने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है ये है गुड वाइब्स का रोज़मेरी ऑयल। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा एक ही है भाइयों कि जैसे आप ज़्यादा ये लगाते हैं, जैसे कि आपने ये लगाया वैक्स वैक्स, और जैसे इनको धोना होता है, सबको पता है डेली लगाओ और डेली धो, बट कोई कोई ये नहीं धो पाता जल्दबाजी मेरी तरह, तो उसके बालों में थोड़ा थोड़ा होने लग जाता है डैंड्रफ। और ज़्यादा आप हेलमेट पहनते हैं और पसीना आता है बालों पर, पसीना आता है, हवा लगती नहीं है, तो उससे डैंड्रफ हो जाता है। तो ये है, ये डैंड्रफ को कम करता है, बट ये आपको थोड़ा सा लगाना है क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा महंगा है। ये 10 ml है, 10 नहीं शायद कितना ml है, इसकी पूरी डिटेल डाल दूंगा, बट ये 165 का। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा लगाना है, बहुत कम, 4-5 ड्रॉप लगानी है, 6-7 भी लगा सकते हैं, मैं तो 6-7 लगा लेता हूँ, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट डैंड्रफ बिल्कुल नहीं होने देगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया आपके बालों को एकदम चमका देगा। भाई जो सेकेंड चीज़ है वो है ये ऑलिव ऑयल। ये मैं हफ्ते में एक बार लगाता हूँ, जैसे मैं सैटरडे की नाइट को लगा लिया और संडे सुबह धो लिया, मतलब इसको मैं पूरी रात लगा के सो जाता हूँ और सुबह उठाता हूँ, इससे बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। और ऑलिव ऑयल सबको पता है ऑलिव ऑयल कितना बढ़िया होता है, तो ये स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है और बालों के लिए तो है ही अच्छा। तो ये बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ाता है ऑलिव ऑयल, और दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ाता है, बट कोई लगाना मत। दाढ़ी का भी एक और ऑयल है मेरे पास, कभी कभार लगाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लगाता। तो गोभी खोदने वाले इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, और कहूँगा ये दोनों आइटम एक बार यूज़ करके देखना, और इनके लिंक है नीचे, और ये ऐप का लिंक भी दे दूँगा जहाँ से आपको सस्ता डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐप का लिंक और इन दोनों का लिंक दे दूंगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना, बिना ट्राई करे कमेंट मत करना, बोलना मत कुछ बुरा, क्योंकि काफ़ी अच्छे, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ भाई, और देखो बाल अच्छे हैं तुम्हारे भाई के, तो मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी टाइम से, 1-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो फ़र्क पड़ता है भाइयों इन चीज़ों से, कहने की बात नहीं है, फ़र्क पड़ता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाना और ज़रूर ट्राई करना। चलो बाय, यही बात थी। और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थंब दिखा के, थंब दिखा के। चलो भाई इस वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों से।
जिनके हेयर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चलो भाइयों, टाटा बाय बाय, सी यू। और कमेंट करना भाई, सेक्सी लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है? कमेंट ज़रूर चाहिए मेरे को, ठीक है भाइयों, चलो बाय।